Hey guys, is the AV clear now? क्या ऑडियो विजुअल क्लियर है? हेलो एवरीवन, हेलो, इज द ऑडियो विजुअल क्लियर? यस, ओके. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आर एसएमडी. आर क्वेश्चन फोकसेस ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी. एसटी पे जो है वो फोकस है हमारा इसके थ्रू, और इसमें कई सारी चीजें आती हैं, और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कवर्ड अंडर फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, पांचवें और छठे शेड्यूल में ये आते हैं. तो आपको इस सवाल के जरिए ये बताना है कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो कि फॉलो होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कम्युनिटी एज शेड्यूल्ड ट्राइब. कि अगर किसी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब की तरह आपको स्पेसिफिकली बताना है कि ये ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करोगे? मैं आपको ये बता दूं कि ये जो क्राइटेरिया है ये बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस के जरिए आता है. दिस इज ड्यू टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस. STs are officially or historically disadvantaged people, and specially because of the geographical isolation. जब भाई अगर वो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो गए फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री. दे आर आइसोलेटेड, वो है ही नहीं यहाँ पे. सो दे ऑटोमेटिकली विल बी डिसएडवांटेज, क्योंकि आप मेन स्ट्रीम में मिले ही नहीं कभी. इंडिया कैन प्राउडली बी कॉल्ड द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और इसी वजह से आदिवासियों को जो रिप्रेजेंटेशन है वो देने की कोशिश करी जाती है, जिसके लिए संविधान में फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल अलग से है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एक डेडिकेटेड संस्था बनाई है टू बेसिकली रेगुलेट एंड लुक आफ्टर द सेफ्टी ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स. तो पॉपुलेशन ऑफ एसटी इन द कंट्री एज पर सेंसस 2011 इज 10.45 करोड़, 100 मिलियन की पॉपुलेशन है. एसटीज कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, 11.3% ऑफ द टोटल रूरल पॉपुलेशन. काफी बड़ी जनसंख्या है एसटीज की, 10.5 करोड़ की है, और ये 2011 सेंसस है. अभी तक ये जनसंख्या पढ़ के तकरीबन शायद 12-13 करोड़ हो गई होगी. तो क्या क्राइटेरिया ऐसे हैं जो कि देखे जाते हैं टू लिस्ट अ ट्राइब एज अ शेड्यूल ट्राइब, कि किस किस कम्युनिटी को आप किस बेसिस पे शेड्यूल ट्राइब कहोगे? इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स. प्रिमिटिव का मतलब होता है कोई भी चीज जो हो पुरानी हो, मतलब मशीन के जमानों में हाथ से काम हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव. तो प्रिमिटिव ट्रेड्स. डिस्टिंक्टिव कल्चर. कल्चर बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज, लिपि, बोलने का तरीका, लिखाई, सब कुछ अलग है, डिस्टिंक्टिव. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. देखिए सबसे बड़ा रीजन, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आपको याद करना है तो आपको एक ये वर्ड याद करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन. अगर आप ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो तो आप ये मान के चलो कि आप ज्योग्राफिकली, अगर आप जंगल में रहते हो, आप आइसोलेटेड हो, तो ना तो आपको ये भाषा आएगी जो दिल्ली में या शहरों में, या दिल्ली छोड़ो में कह रहा हूँ, टीयर टू सिटीज में या गांव में भी बोली जाती है, तो आपका कल्चर डिस्टिंक्टिव होगा. आपके ट्रेड सारे पुराने होंगे, प्रिमिटिव, क्योंकि आप कभी मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से मिले ही नहीं. शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज. शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट है तभी आप ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो, या वाइस वर्सा, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड हो तो शाइनेस है. सो एंड बैकवर्डनेस. बैकवर्डनेस तो रिजल्ट है. अगर आप आज की रेट में, भाई क्यों कहते हैं लोगों से कि बड़े शहर में जाओ नौकरी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आप फॉरवर्ड होते हो. आप छोटे शहर में हो तो आप बैकवर्ड हो, और आप अगर और गांव में हो तो आप और बैकवर्ड हो. तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं. ज्योग्राफिकल आइसोलेशन लीड्स टू एवरीथिंग. तो पहला क्राइटेरिया ये है, उसकी वजह से डिस्टिंक्टिव कल्चर, प्रिमिटिव ट्रेड्स एंड शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट. ये क्राइटेरिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं स्टेटेड है. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है. According to the constitution, a tribe can be listed as a scheduled tribe. According to these criteria, all statements are wrong. Criteria यही होंगे, लेकिन वो संविधान के अनुसार नहीं है, और आपको यही चीज ध्यान रखनी है. Criteria जो है distinctive culture, isolation, literacy rate नहीं है, primitive rates है. Criteria जो follow होते हैं वो है 1, 2, 4, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है आप मान के चले दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. संविधान के अनुसार ये चीज नहीं है. तीसरा सवाल है जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जो अखबार में आ रहा है कि केरला का जो नाम है उसको बदल के केरलम करना है. इट हैज टू बी चेंज्ड टू केरलम.
इसी तरीके से पिछले साल भी एक चीज स्पेसिफिकली एक आवाज उठाई गई थी कि वेस्ट बंगाल का नाम बदलना है, बंगाल का नाम बदल के बांग्ला करना है, आपने सुना होगा। और अब जो है इसके बारे में चर्चा है कि केरला का नाम केरलम करना है। तो स्टेट किस तरीके से नाम चेंज होता है, किस तरीके से स्टेट का नाम चेंज होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इस पे हमने यहां पर दो सवाल इंक्लूड करे हैं आपके लिए। देयर आर टू क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशन सेम है, क्वेश्चंस अलग अलग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, स्टेट को कौन सी चीज बढ़िया तरीके से डिफाइन करेगी। यहां पर मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन और मैक्स वेबर की डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन बताऊंगा। आई विल टेल यू बोथ द डेफिनेशन। और दूसरा सवाल है रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स को रीनेम करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह, अगर जैसे कि भाई किसी स्टेट का नाम चेंज हो रहा है, राइट, आपने देखा ना कि आंध्र प्रदेश का नाम जो है वो नया रखा गया, या आंध्र प्रदेश इज नॉट द राइट एग्जांपल, अगर आपने ओडिशा का नाम ओडिशा किया गया, तो इस तरीके से स्टेट्स का नाम अगर बदला जा रहा है तो वो किस प्रोसीजर के थ्रू बदला जा रहा है, उस पर एक सवाल है यहाँ पे, देयर इज अ क्वेश्चन ओवर हियर। तो इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेट की डेफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। मैक्स वेबर के अनुसार स्टेट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी, इंसानों से बनी हुई कम्युनिटी है, दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ द लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी। कि फिजिकल फोर्स है विद इन अ गिवन टेरिटरी, उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है। स्टेट पोजेसेस अ गवर्नमेंट व्हिच हैज द अथॉरिटी टू एनफोर्स अ सिस्टम ऑफ रूल्स। सरकार होती है स्टेट में जो कि भाई गवर्न कौन करेगा, गवर्न तो एक हायर अथॉरिटी करेगी, पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, अभी सरकार होती है। द पीपल लिविंग इनसाइड इट, सिस्टम ऑफ रूल्स इज कॉमनली कंपोज्ड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशंस एंड कॉमन लॉ। इस तरीके से होता है। पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट के सबके संसद के पास जो है वो पावर है कि वो स्टेट का जो है नाम चेंज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए, स्टेट के अपने हाथ में पावर नहीं है कि वो अपने स्टेट का नाम चेंज कर सके, वो प्रस्ताव रख सकते हैं। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे हम विधानसभा कहते हैं, वो अपनी ही इंटरनल वोटिंग करके पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव रख सकते हैं, जैसे केरला ने रखा, जैसे वेस्ट बंगाल ने रखा था कि राज्य का नाम बदलना है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी पार्लियामेंट के हाथ में होती है। प्रोसीजर ऑफ रीनेमिंग ऑफ स्टेट कैन बी इनिशिएटेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा में भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। रीनेमिंग जो है, आप ये मान के चले आर्टिकल 3 और 4 के अनुसार पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस होना चाहिए। देयर वुड बी अ बिल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे बिल इंट्रोड्यूस होगा। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, प्रेसिडेंट शैल सेंड द बिल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, कि भाई आप क्या सोचते हो इस बारे में, विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। व्यूज ऑफ द स्टेट आर नॉट बाइंडिंग, हाईली इंपॉर्टेंट। अगर एक स्टेट ने एक बिल पास करा, मान लीजिए स्टेट ने इंटरनल वोटिंग कराई विधानसभा में, एमएलए ने इंटरनल वोटिंग करी कि हमें चाहिए कि हमारे स्टेट का नाम बदले और हम इसका प्रस्ताव रख रहे हैं, तो उन्होंने अपनी असेंबली में एक बिल पास करके या प्रपोजल पास करके पार्लियामेंट में भेजा, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पार्लियामेंट उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दे, निस्स नाबूद कर दे। इट इज पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल है कि पार्लियामेंट उसे रिजेक्ट कर दे। तो आप ये मान के चले कि स्टेट में भले ही कोई बिल पास हुआ हो स्टेट को रीनेम करने का, या ना हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट के हाथ में अल्टीमेट अथॉरिटी है। दूसरी तरफ अगर स्टेट में इनिशिएट नहीं हो रहा, पार्लियामेंट को नाम चेंज करना है, पार्लियामेंट ने बोला कि भैया हम तुम्हारा नाम चेंज कर रहे हैं, आपके सामने ये बिल प्रस्तुत है, अब आप बताओ आपके ओपिनियन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। स्टेट बोलता है नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट फिर भी कर सकता है, नॉन बाइंडिंग है, नीदर ऑन द प्रेसिडेंट नॉर ऑन द पार्लियामेंट। आफ्टर रिसीविंग सजेशंस ऑफ असेंबली और आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड टाइम पीरियड, बिल गोज बैक टू द पार्लियामेंट, देन द बिल गेट्स फर्दर डेलिबरेटेड अपॉन इन द पार्लियामेंट। तो बिल इज लाइक एनी ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जिसके बेसिस पे ये बिल जो है पास होता है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट द्वारा रेटिफाई किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के जरिए आपकी दो चीजें क्लैरिफाई हुई। एक तो हुई स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ ह्यूमंस, एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है कि सब लोग मिलके जो है काम करते हैं, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड टेरिटरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। सरकार भी है, एक्सटर्नल कंट्रोल भी नहीं है, और लोगों ने मिलकर जो है ये चीज बनाई है। स्टेट को गवर्न करने के लिए आज के डेट में क्या होता है, एक सरकार होती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जो दूसरा सवाल है वो है रीनेमिंग ऑफ स्टेट के प्रोसीजर पे।
procedure of renaming of the state can be initiated either by the parliament or by the state legislature. Statement bilkul sahi hai, absolutely correct. President shall send the bill to the respective state assembly for expressing their views within a stipulated time. The views of the state assembly are not binding on the president. Bilkul sahi baat hai. State mana kar de, president phir bhi state ko rename kar sakte hai. Bill in order to take the force of a law must be passed by a special majority. No. Simple majority se bill pass hona chahiye, not special majority. So because the third statement is incorrect, answer is B for Bombay. 1 and 2 are correct. 1 and 2 jo hai, wo sahi statement se ye aap dhyan rakhenge. Guys, are you able to understand? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? यस यस सचिन तिवारी, आई होप यू गॉट योर आंसर. सेंटर कैन चेंज द नेम ऑफ द स्टेट. इकोनॉमिक्स पे आते हैं. यहां पर दो सवाल हैं, दो तीन न्यूज आइटम्स हैं. तो पहला है एमएसएमई इंडस्ट्री पे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन जो है कुछ साल पहले चेंज हुई है. अराउंड 4-5 ईयर्स बैक इट वॉज चेंज्ड. And it became effective from 2020. वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते क्या है. What are these three different kinds of enterprise? This is very important for you to know. MSME industry. MSME industry के बेसिस पे देश चल रहा है, बड़ी इंडस्ट्रीज के बेसिस पे नहीं चलता, ये बात ध्यान रखिएगा. MSME industry is the backbone of India or backbone of our country, especially a heavily populated country like India. Reason being कि भाई एमएसएमई इंडस्ट्री जितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं कर सकती, और जिन लोगों को, जिस वर्क को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज समथिंग विच इज ह्यूजली इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले मैं आपको याद कराऊंगा एमएसएमई की डेफिनेशन, और ये आने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आप कैसे बता सकते हो कि ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है? ये बताया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल टर्नओवर. टर्नओवर यानी कि आपने कितना पैसा पूरे साल में कुल मिला के कमाया है. That is called as annual turnover. तो annual turnover में मिला के पूरी तरीके से आपको यह बताना है कि कितना पैसा आपने कमाया है. Micro enterprise where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 1 crore, कि investment जो है आपका plant and machinery में 1 crore हो, और turnover does not exceed 5 crores. 5 crore तक का turnover होगा तो आप micro enterprise हो. स्मॉल एंटरप्राइज हो अगर आपका टर्नओवर 5 से 50 crore के बीच होगा, 5 to 50 crores तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हो. और मीडियम अगर आपका टर्नओवर 50 से 250 crore हो, सो इट एक्सीड 50 crores एंड इट डज नॉट एक्सीड 250 crores. 250 crore तक का टर्नओवर जाएगा. तो माइक्रो एंटरप्राइज 5 crore तक का टर्नओवर, स्मॉल एंटरप्राइज 50 crore तक का टर्नओवर, मीडियम एंटरप्राइज 250 crore तक का टर्नओवर. आप टर्नओवर के बेसिस पे बताएंगे कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज क्या है. दिस इज समथिंग विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, ये पेपर में आने की संभावना है. तो माइक्रो एंटरप्राइज 5 crores ऑफ एनुअल रेवेन्यू, ग्रॉस रेवेन्यू. स्मॉल एंटरप्राइज इट गोज अप टू 50 crores, मीडियम एंटरप्राइज 250 crores. ये चीज है. उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि आपने एक इंडस्ट्री लगाई है तो प्लांट एंड मशीनरी यानी कि मशीन में इन्वेस्टमेंट करा होगा. मशीन में माइक्रो एंटरप्राइज का 1 crore है, यहाँ पे 10 crore है, और इधर जो है प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 crore है. 1 crore, 10 crore, 50 crore. तो ये प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट हो या टर्नओवर हो, बेसिकली टर्नओवर के बेसिस पे मेजरली देखा जाता है. तो आप ये ध्यान रखेंगे कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है. जैसा मैंने आपको बताया कि एक जरूरी पिलर है इंडियन इकोनॉमी का, एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ग्रेट ग्रोथ टू द इंडियन इकोनॉमी विद अ वास्ट नेटवर्क कॉन्ट्रीब्यूटिंग 45% टू द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट. 45% आउटपुट जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो यहां से आता है. तो आप सोच के देखिए कि ये कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता होगा. तकरीबन 12 से 13 crore लोगों की एम्प्लॉयमेंट जो है एमएसएमई क्रिएट करता है, और एमएसएमई से बनने वाले गुड्स जो है वो बहुत भारी संख्या में एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. So this results in revenue to India, incoming foreign exchange. So MSME are entities that are involved in production, manufacturing and processing of goods and commodities, जो कि आपको पता है. जैसा मैंने आपको बताया 11-12 crore नौकरियां जो है, which is 20 to 23% of total employment in India. It is the next highest to agriculture. ये बात ध्यान रखिएगा. Backbone ये है, backbone Reliance, Tata, Birla, Firla, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार है सारी companies. जो बैकबोन है देश का वो ये है. जो आप ये मान के चले, जो प्रोफेशन ऐसा है जो मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके,
वो ही प्रोफेशन काम का है, वो ही कंपनी काम की है और वो ही इंडस्ट्री काम की है। भारत की जनसंख्या को देखते हुए एमएसएमई की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑन पीएसएल टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन इन 2020 ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई कंफर्मिंग टू द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड देयरिन क्वालिफाई फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसा कि आप जानते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपको जो लोन दिया जाता है वो एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है। ये पीएसएल की खास बात है। दिस इज हाईली गुड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए एमएसएमई इंडस्ट्री का की वैल्यू जो है सरकारों ने कभी रियलाइज नहीं करी अंटिल 2014 जब मुद्रा बैंक लाया गया। मुद्रा बैंक इसी पर्पस के लिए लाया गया था ताकि एमएसएमई इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। उसके बाद से लेके एमएसएमई इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी हुई है और कोविड के बाद ये देखने वाली बात है कि एमएसएमई इंडस्ट्री को सपोर्ट कितना ज्यादा अच्छे से किया गया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जरिए एमएसएमई इंडस्ट्री को रीस्टार्ट करने के लिए जो है लोन्स दिए गए और उन लोन्स की गारंटी जो है सरकार ने अपने सर पे ली। मतलब अगर एमएसएमई इंडस्ट्री लोन्स पे डिफॉल्ट करते तो सरकार जो है उसके बिहाफ पे पैसा भरती बैंकों को। ये चीज करी गई थी। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो है पार्ट था। अकॉर्डिंग टू एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 and 25 crores। ये गलत है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज का जो डेफिनेशन है वो जाता है 50 crore तक। All bank loans to MSME qualify under the priority sector. बिल्कुल सही है। Second statement is correct. B for Bombay, two only is correct. अब ध्यान रखें, two only जो है वो सही है। अगला सवाल है fertilizers पे। ये काफी tricky सवाल है। ये overlap करता है science and technology से। Economics में है लेकिन science and technology से overlap करता है। कुछ question है fertilizer पे कि किस किस तरह के fertilizer use होते हैं। Diammonium phosphate, MOP, ठीक है। तो अब भी आपको पहले इसके बारे में समझाते हैं फर्टिलाइजर के बारे में कि क्या बात हो रही है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑफ फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू चाइना। भारत का जो फर्टिलाइजर मार्केट है वो देखिए कितना बड़ा मार्केट है। $28.5 billion का मार्केट था और जिसने 6.25% का CAGR रजिस्टर करा था टू रीच $41 billion बाय 2028। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड। पहला है यूरिया। ये इसको कहते हैं कॉमन मैन्स फर्टिलाइजर। ये आपने सुना होगा यूरिया, नीम कोटेड यूरिया, कॉमन मैन्स फर्टिलाइजर कहते हैं। इसका मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन है। मोस्ट प्रोड्यूस्ड 86% जो है यूरिया प्रोड्यूस होता है। मोस्ट कंज्यूम 74% शेयर जो है टोटल में से यूरिया कंज्यूम होता है। मोस्ट इंपोर्टेड 52% यूरिया ही होता है। इट इज द मोस्ट फिजिकली कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर एंड रिसीव्स द लार्जेस्ट सब्सिडीज, नियरली 70% ऑफ टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडीज। तो यहां पर मैक्सिमम फर्टिलाइजर सब्सिडीज जाती हैं। तो सोच के देखिए $28.5 billion का मार्केट है। इसका 74% कैलकुलेट करो जो है वो यूरिया कंजम्पशन है और उस पर भारत सरकार 70% सब्सिडी देती है। कितनी मैसिव सब्सिडीज जो है वो एक यूरिया पे दी गई है। फिर आती है बात डायअमोनियम फॉस्फेट, डैप। अमोनिया इज यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट। इन सब के लिए यूज किया जाता है। सल्फर इज ऑब्टेन्ड एज अ बाय प्रोडक्ट फ्रॉम ऑयल रिफाइनरीज। मोस्ट ऑफ द सल्फर इज कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात हो रही है इसकी। सो H2SO4 व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के लिए ये चीज जो है यूज होती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडाइजेस फर्टिलाइजर्स टू इंश्योर फर्टिलाइजर्स आर इजीली अवेलेबल टू फार्मर्स। फार्मर्स के पास कम से कम खाद की कमी ना हो, फर्टिलाइजर की कमी ना हो, क्योंकि भाई फार्मर को क्या चाहिए? पानी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए। अब फर्टिलाइजर नहीं होगा तो उसका क्रॉप बेचारे का खराब हो जाएगा। सो एंड द कंट्री रिमेन्स सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। द सेम हैज बीन अचीव्ड लार्जली बाय कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो प्राइस है फर्टिलाइजर का, ये भारत सरकार ने कंट्रोल किया है एंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। At present, the retail price of chemical fertilizers is market-driven and not administered by the government. गलत है। अगर ये market price पे आपने छोड़ दिया तो किसान तो बेचारा खत्म हो जाएगा। किसान कैसे afford करेगा? The farmer cannot afford. So this is something which does not make sense, right? Ammonia, which is an input of urea, is produced from natural gas. This ये थोड़ा science and tech से overlap करता है। इसलिए मैंने बोला कि आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। So this question is not purely from economics, but eco plus science and tech. और ये एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है मेंस में वहां पे काम आएगा।
Sulfur, which is a raw material for phosphoric acid fertilizer, is a byproduct of refineries. So 2 and 3 are correct and the first statement is incorrect. Jo pehla statement hai wo galat hai. अब आती है बात डिफ्लेशन पे. डिफ्लेशन पे हमने यहां पे दो सवाल इंक्लूड करे हैं. अब देखिए मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं एक चीज, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पे मैं कितना भी समझा लूं गलती फिर करोगे. मेरी बात मानो, आप फिर गलती करोगे. कैसे? देखिए एक आइटम है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आइटम ए. इसका प्राइस है 10 रुपए. 10 रुपीज इज द प्राइस ऑफ दिस आइटम. Let's say the price rises to 20 rupees. 20 rupees price aa jata hai. So obviously, this is called as inflation. Isse aap bolte ho inflation. Inflation kaha jata hai. Price iska girta hai to 15. 15 rupees price ho jata hai iska. Jab iska price 15 ho jata hai, ye price jab fall hua, is cheez ko bolte hai डिसइन्फ्लेशन. तो ये 15 प्राइस हुआ और इसके बाद प्राइस मान लीजिए फिर बढ़ के 18 रुपए हुआ. डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन है लेकिन इन्फ्लेशन एक स्लो रेट पे है. अगर पहले जो इन्फ्लेशन था मान लीजिए 100% था तो अभी इन्फ्लेशन 50% है. पिछले साल मेरे देश में इन्फ्लेशन 5% था, इस साल 3% है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन. दैट इज टर्म्ड एज डिसइन्फ्लेशन. ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो गई होगे. जब ये प्राइस जो है मान लीजिए 10 रुपए से कम हो जाए, ये प्राइस जो है 5 रुपए पे पहुंच जाए, तब आप इसे बोलोगे डिफ्लेशन. डिफ्लेशन का मतलब होता है नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो आइटम 10 रुपए का था अब वो 5 रुपए का बिक रहा है. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. ये कोविड में बहुत हुआ था. कोविड में क्योंकि लोगों को अपने जो पुराने आइटम्स से जो दुकानें भरी हुई थी और बिकॉज ऑफ लॉकडाउन नहीं बिक पा रहा था सामान, जो आपको बस खाली करना था, निकालना था, उस चक्कर में बहुत सारी चीजें सेल पे डिस्काउंट पे निकाली गई. दैट वॉज कॉल्ड एज डिफ्लेशन, कि आपको जितना फेच होना चाहिए था आपको उससे कम पे बेचना पड़ रहा है. नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है. चाइनाज इकोनॉमी टिप्स इनटू डिफ्लेशन. वहां की इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई है. डिफ्लेशन इज व्हेन कंज्यूमर एंड एसेट प्राइसेस डिक्रीज ओवर टाइम एंड परचेजिंग पावर इंक्रीजेस. परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है. Essentially, you can buy more goods or services tomorrow with the same amount of money you have today. तो आप ज्यादा goods and services खरीद पा रहे हो, मतलब वही goods and services सस्ते हो गए. सिंपल सी बात है, तभी ज्यादा खरीद पा रहे हो. तो मिरर इमेज ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन ऐसे जा रहा है, यहां शीशा रखा है, तो डिफ्लेशन ऐसे जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है और मिरर इमेज ये है प्राइस नीचे जा रहा है. ये तो भाई तो मतलब अजीब सी बात है, ऐसा कहां देखने को मिलता है. Which is the gradual increase in prices across the economy. तो यहां पे बढ़ना घटना मुश्किल है. वाइल डिफ्लेशन में सीम लाइक अ गुड थिंग, इट कैन सिग्नल एन इम्पेंडिंग रिसेशन एंड हार्ड इकोनॉमिक टाइम्स. डिफ्लेशन ठीक चीज है लेकिन प्राइसेस कम तब होते हैं जब आपकी अर्थव्यवस्था में चीजें लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. इस वजह से मेजरली प्राइसेस जो है कम होते हैं. व्हेन पीपल फील प्राइसेस आर हेडेड डाउन, दे डिले परचेजेस इन द होप्स दैट दे कैन बाय थिंग्स फॉर लेस एट अ लेटर डेट. सो ये कोविड में हुआ था. बट लोअर स्पेंडिंग लीड्स टू लेस इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते. और क्योंकि प्रोड्यूसर्स एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते, इस वजह से इकोनॉमी जो है एक रिसेशनरी फेज में चली जाती है. इट गोज इन टू अ रिसेशनरी फेज. कॉजेस क्या है? कॉजेस डिफ्लेशन के या रिडक्शन इन प्राइसेस के क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी. राइजिंग इंटरेस्ट रेट विल लीड टू पीपल टू सेव देयर कैश इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट. मॉनिटरी पॉलिसी अगर ऐसी आती है, मॉनिटरी पॉलिसी अगर आती है कॉन्ट्रैक्शनरी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब है वो नहीं चाहते आप पैसे खर्च करो, तो आप पैसे बचा के रखोगे. डिक्लाइनिंग कॉन्फिडेंस, ये कोविड में हुआ था. आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था, लोगों ने परचेजेस डिले कर दिए, यहां तक कि लोगों ने अपनी जो नॉन एसेंशियल सर्जरीज है, मेडिकल सर्जरीज, वो भी डिले कर दी. जो जो खरीदारी करनी थी, बहुत एसेंशियल हो तभी खरीदो वरना मत खरीदो, पता नहीं कल को नौकरी हो ना हो. नौकरियां जा रही थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, इस कारण जो है स्लो डाउन आया. So adverse economic events may lead to a decrease in overall demand. ठीक है, वॉर हो गई रशिया यूक्रेन में, लोगों ने अपने purchases जो है और countries में लोगों ने purchases delay कर दिए. If people are worried about the economy or unemployment, they may spend less, so they can save more. So deflation के consequence क्या है? भाई अगर कुछ produce नहीं होगा, आप खरीदोगे नहीं, तो unemployment होगी, producers उधार में चले जाएंगे. Deflationary spiral, एक inflationary spiral concept पढ़ते हैं, deflationary spiral उल्टा हो जाएगा. ये तो बड़ी खतरनाक situation है.
मतलब बिल्कुल ही, क्योंकि दिस वुड फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट. रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, डिक्रीज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम जो है डिक्रीज होती है. कंट्रोलिंग डिफ्लेशन बूस्ट द मनी सप्लाई, आपको मनी सप्लाई बूस्ट करना पड़ेगा. मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो आपको ऑपोजिट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी. मेक बोरोइंग ईजियर, बोरोइंग को आप आसान करेंगे वो तभी होगा एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी, वही बात है. एंड मैनेजिंग फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऐसे मैनेज करनी है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचे. पीपल शुड बी लेफ्ट विद मोर मनी एंड दैट इज वॉट शुड हैपन. तो डिफ्लेशन को लेके दो सवाल है, दोनों का जवाब आपको देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन, जब प्राइसेस गिर जाएं, किसी भी चीज का प्राइस गिर जाए उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन. देखिए अब, देखिए अब फर्क क्या है. फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको क्या कहते हैं? फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसे क्या कहते हैं बताओ भाई? अगर इन्फ्लेशन का रेट फॉल हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अभी तो बताया था. नो परिधि शर्मा, डिफ्लेशन नहीं बोलते, डिफ्लेशन इसे बोलते हैं, तो इसे डिफ्लेशन थोड़ी बोलेंगे, इसे क्या बोलते हैं? डिस इन्फ्लेशन. Persistent recession in the economy, it is a sudden fall of currency against other currencies. दूसरा सवाल है, consider the following. When prices go down across the entire economy and purchasing power increases, which of the above are the effects of the economy? क्या effect है economy पे? Unemployment effect है, yes. Unequal distribution of income, reduction in business revenue, बिल्कुल सही बात है. Increase in purchasing power of money, बिल्कुल सही बात है. Purchasing, उतने ही पैसों में ज्यादा खरीद पाओगे. इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड, क्योंकि देखिए अब डिमांड जो है वो ज्यादा हो सकती है. प्राइस गोल्ड जो है वो एक रेयर कमोडिटी है, दिस मे हैपन. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो नहीं होगा, क्योंकि अब जो है उतने ही पैसों में लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं. ये तो बल्कि आप मान के चले कि उतनी ही इनकम से अगर लोग ज्यादा खरीद पा रहे हैं तो इट इज नॉट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो 1, 3, 4 and 5, सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर केस. ये ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं सब लोग? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब हम आते हैं एनवायरमेंट पे. लेट्स कम टू एनवायरमेंट. एक न्यूज आर्टिकल है एनवायरमेंट का, फोकस करते हैं एलिफेंट्स पे. बहुत ही खूबसूरत जानवर है एलिफेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स, राइट? आप जानते हैं कि भारत में हाथियों की जनसंख्या कितनी है, एलिफेंट्स की जनसंख्या कितनी है, पूरी दुनिया के कितने हाथी जो है यहां मिलते हैं, बता सकते हो? बहुत ही खूबसूरत जानवर है, देखिए इस टाइप का जानवर है. नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन कर्नाटका गोज अप बाय 364 फ्रॉम लास्ट काउंट टचेस 6395. अभी नेटफ्लिक्स पे एक टीवी सीरीज आई है वीरप्पन करके. वीरप्पन जो है वो एलिफेंट्स का शिकार किया करता था और वो उसी एरिया में थे, कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे, जो कि एलिफेंट कॉरिडोर है. उस पूरे के पूरे कॉरिडोर में एलिफेंट्स बहुत सारे थे एंड ही न्यू द एंटायर जंगल एट द बैक ऑफ हिज हैंड, और वो एलिफेंट्स का शिकार किया करता था. सो देखिए, एशियन एलिफेंट एलिफास मैक्सिमस, ये साइंटिफिक नेम है, ऑल्सो कॉल्ड एज एशियाटिक एलिफेंट, इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ एलिफास एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया. हाईली इंपॉर्टेंट, इंडिया में मिलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में, फ्रॉम इंडिया इन द वेस्ट, नेपाल इन द नॉर्थ, सुमात्रा इन द साउथ एंड बोर्नियो इन द ईस्ट. ये सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, बोर्नियो वगैरह. एशियन एलिफेंट जो है लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है एशिया में. ये वर्ड्स कायदे से याद रखिएगा, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल इन एशिया. Asian elephant has been listed as an endangered species on IUCN Red List as population has declined by at least 50% over the last 3 generations, estimated to be 60 to 75 years. More than 60% of the world's elephant population is in India. देखिए भारत में कितने हाथी हैं, 25% of them are in Karnataka. तो सोच के देखो कि 60 में से 25% जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में है, तो कितना strategically important state है elephants के लिए. इस वजह से एलिफेंट कॉरिडोर जो है यहां पे डेडिकेट किया गया है. एलिफेंट्स आर हाईली इंटेलिजेंट विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स. द एलिफेंट हर्ड इज लेड बाय द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फीमेल मेंबर नोन एज मेट्रियार्क. दिस हर्ड इंक्लूड्स डॉटर्स ऑफ द मेट्रियार्क एंड देयर ऑफस्प्रिंग. एलिफेंट्स हैव लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशन प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स लास्टिंग अप टू 680 डेज. जाहिर सी बात है भाई,
you are giving birth to an elephant, a baby elephant. Females between 14 to 45 years may give birth to calves approximately every 4 years, with the mean interbirth intervals increasing to 5 years by age 52. तो आप एवरेज याद रखें, 22 महीने में जो है लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशन पीरियड होता है इनका, प्रेगनेंसी चलती है 22 मंथ्स, व्हिच इज लॉन्ग. विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज अ फीमेल, वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड 22 महीने जा सकता है. एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काविंग टिल द एज ऑफ 40 इयर्स ओनली. ओनली वर्ड से बच के रहना, नॉट 40 इयर्स, 52 तक जा सकता है. अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला. नो, it is in Karnataka. So only the first two statements are correct. सिर्फ पहले दो पंक्तियां सही हैं और बाकी दोनों पंक्तियां जो है वो गलत है. अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ. इसमें क्या खास बात है? एक न्यूज आर्टिकल है SNT में, तो उसमें किस बारे में बात हो रही है? इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम. इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है. न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, न्यूक्लियर पावर्ड प्रोग्राम किस पे डिपेंड करता है? क्या आपने थोरियम रिजर्व्स का नाम सुना? हैव यू हर्ड ऑफ थोरियम? जूनागढ़, जूनागढ़ में थोरियम के रिजर्व्स हुआ करते थे, आज भी है. हैव यू हर्ड ऑफ थोरियम? यस. भारत का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम किस पे बना हुआ है? देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, पांचवा सबसे बड़ा सोर्स है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 2% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इंडिया करेंटली हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 7 पावर प्लांट्स, और इतना जो न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होता है. ऑफ 18 आर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स एंड 4 आर लाइट वाटर रिएक्टर्स. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन एनर्जी. ये फैक्ट्स हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे कि क्लीन एनर्जी हमें और प्रोड्यूस करनी है. हमारे पास मैक्सिमम हेवी वाटर रिएक्टर्स हैं, लाइट वाटर रिएक्टर्स सिर्फ 4 हैं, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है टोटल, 18 + 4 = 22, 7 पावर प्लांट्स में, जो कि 2% ऑफ कंट्रीज टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. पांचवें नंबर की बिजली, मतलब बिजली जनरेशन में जो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, 2% है सिर्फ. भारत का जो 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो क्या है? देखिए, अब ये डिपेंड करता है 3-stage की रिजर्व्स क्या क्या है. विद द एम ऑफ यूटिलाइजिंग द वास्ट थोरियम रिजर्व्स इन इंडिया, हाईली इंपॉर्टेंट, about 25% of the world. Besides, India has limited availability of uranium reserves, 2% of the world's uranium reserves. Yellow cake, सिर्फ 2% है. इस वजह से मोदी जी जो है कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ वहाँ जो है कंट्रीज जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से यूरेनियम का इम्पोर्ट देखा जा रहा था. बट न्यूक्लियर प्रोग्राम आप किस तरीके से करते हो ये बहुत डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT. इंडिया ने साइन नहीं करी है, लेकिन इंडिया के ऊपर काफी प्रेशर है उस चीज को लेके. सो स्टेज 1 इज नेचुरल यूरेनियम टू फ्यूल प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर. स्टेज 2 इनिशियली टू बी फ्यूल्ड बाय अ मिक्स ऑफ प्लूटोनियम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज एंड नेचुरल यूरेनियम, इससे आप मिक्स करोगे. स्टेज 3 थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स द रिएक्टर्स, ये जो है ये फ्यूल करेगा. तो बेसिकली जो है ये पूरा जो है फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. दिस इज प्रीटी डिटेल्ड, यू कैन हैव अ लुक एट इट लेटर. थोरियम पे सबसे ज्यादा एम्फसिस है. क्यों है थोरियम पे एम्फसिस, ये आपको जानना जरूरी है. दे प्रोड्यूस लेस वेस्ट देन प्रेजेंट डे रिएक्टर्स. देखिए, जो न्यूक्लियर, एक तो है बिजली जनरेट करना जो आपके पास रॉ मटेरियल है उसकी वजह से, और बड़ी प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करना. कैसे करोगे, कहां करोगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. दे हैव द एबिलिटी टू बर्न अप मोस्ट ऑफ द हाईली रेडियो एक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग माइनर एक्टिनाइड्स दैट मेक्स न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम लाइट वाटर रिएक्टर्स अ न्यूसेंस टू डील विद. मिनिस्क्यूल वेस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम दीज रिएक्टर्स इज टॉक्सिक फॉर ओनली 300 or 400 ईयर्स रादर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. देखो, यही मैं, न्यूक्लियर वेस्ट जो है अगर यूरेनियम से निकलेगा और प्लूटोनियम से निकलेगा और वो हजारों सालों तक रहेगा, वर्सेस थोरियम से निकलेगा वो 300-400 साल में खत्म हो जाएगा. थोरियम रिएक्टर्स आर चीपर बिकॉज दे हैव हायर बर्न अप, दे आर सिग्निफिकेंटली मोर प्रोलिफरेशन रेजिस्टेंट देन प्रेजेंट रिएक्टर्स. इट इज बिकॉज द U-233 प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसम्यूटिंग थोरियम ऑल्सो कंटेन्स 232. तो इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बेसिक चीजें याद रखनी है. थोरियम इज मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम. On the basis of per unit mass of mined mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium. ये एक reason है. Plus, thorium का जो waste है, वो कम time में जो है वो dispose of हो जाता है. It produces less harmful waste compared to uranium. To meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as future fuel of nuclear energy. In this context, which of the above are advantage of thorium hold over uranium?
तो इस चीज पे ये बेसिकली होमी भाभा करके गए थे उस टाइम पे थोरियम रिजर्व्स का कॉन्ट्रैक्ट, और वो चीज हम आज तक अभी प्रॉपरली ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। ये हमारी नाकामयाबी है, दिस इज आर फेलियर। चंद्रयान 3 के बारे में बात हो रही है, मून मिशन, राइट, इंडियाज थर्ड लूनर मिशन एंड सेकेंड अटेम्प्ट एट अचीविंग अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून सर्फेस। It consists of indigenous lander module, propulsion module and rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for these missions. Pichli baar kya hua tha? Rover kho gaya tha. Matlab basically you could not find the entire thing. Landing site of latest mission is more or less the same as 2 near the south pole of the moon at 70 degrees latitude. China's Chang'e 4, which became the first spacecraft to land on the far side of the moon. Ye dhyan rakhenge China ka mission hai. शांगे 4 और हमारे मिशन का नाम है चंद्रयान 3, जिसमें सैटेलाइट, जिसमें ये जो है उड़न पटोला प्लस जो है रोवर, ये भी जाएगा क्योंकि समथिंग विल डिसएम्बार्क। जब वो खुलेगा तो एक रोवर बाहर निकलेगा जो कि भ्रमण करेगा पूरे साउथ पोल का। ये आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप रिवाइज करेंगे। सो गाइज आई थैंक ऑल ऑफ यू, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि हमने 1000 सब्सक्राइबर मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। वी हैव क्रॉस्ड द 1000 सब्सक्राइबर मार्क। बूंद बूंद से समंदर बनता है, ये कहावत जो है मैं इसमें नहीं मानता था, लेकिन मैंने अब मानना शुरू करी है, और ये सब आप लोगों की बदौलत हुआ है। इसी तरीके से आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, अपवोट करते रहें, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं कि आप किस तरीके की चीजें हमसे देखना चाहते हैं। वॉट ऑल डू यू वॉन्ट टू सी फ्रॉम अस। रमेश सिंह की सीरीज चालू है और इकोनॉमिक्स पे आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्राप्त होगा। आप जरूर इको का कंटेंट देखें, रमेश सिंह की पूरी प्लेलिस्ट है, और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी चीजें जो है वो प्लान कर रहा हूं लाने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूं आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।